हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 क्लास नाइन्थ का। हमें रिप्रेजेंट करना है इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन नंबर गिवन है, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये इट इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, तीन पार्ट है। इन्हें हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाना है। ये डेसिमल एक्सपेंशन में है, इन्हें हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले क्या है हमारा, 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखना है एक डिजिट के ऊपर बार है, मतलब सिक्स डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। तो मान लगा कि एक जीरो से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो जीरो दो पे बार लगा होता तो वन लगा टू जीरो से मल्टीप्लाई करते। अगर तीन डिजिट के बाद इसमें देखो तो वन लगा कि तीन डिजिट तीन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को ध्यान रखते हुए सम्स को करना, और सम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मान लेते हैं, लेट या माना एक्स इज इक्वल टू 0.6। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिख सकते, 666 ऐसे लिख सकते हैं। यहां साइड से लिखिए एक्स इज इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। क्यों? क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, 10 से हम दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, जब 10 से x को करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, 10x। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6.666 ऐसे आता चला जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या समीकरण दो में, क्या समीकरण दो में, समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में एक को घटाना है। तो 10 में अगर हम एक एक्स घटा दें कितना बचेगा बच्चों, 9x। 6 में जीरो घटाएं, दो में घटा रहे हैं, 6 में जीरो 6, अब 6 में 6 जीरो, 6 में 6 जीरो, ये सब जीरो आता चला जाएगा ऐसे। तो डेसिमल के बाद जीरो की आवश्यकता होती है तो रखते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकता अनुसार डेसिमल के बाद शिफ्ट कर लेते हैं, लाइक टर्म में जब करना हुआ तो ऐड कर लेते हैं जीरो। तो यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो रहने दीजिए। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2/3। ये आ गया हमारा p अपॉन q का फॉर्म। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट हल करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ये भी x की वैल्यू मान लेते हैं। क्या दिया है, 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ, इसमें एक डिजिट छूटा हुआ। तो एक डिजिट छूटा है बच्चों, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसको सेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 से मान लिया, ये हमारा क्या है, माना या लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। हम इस पोजीशन में लाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों को, दिए 10x हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4.7। सेम वैसी पोजीशन में आ गया जैसा ये सम्स था। अब एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और इसको अगर ये बार हटा दें तो ये डिजिट कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसा डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब इस समीकरण को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर 10 से इसको गुणा कर देंगे, गुणा मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो 10 से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 10 = 100x आएगा ना। तो इसको जब 10 से करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक शिफ्ट उधर बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे इस फॉर्म में 77... इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। ये बच्चों डॉट हैं, ये 2-3 डॉट लगा दिए बस बहुत है। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई, अब सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देना है। जो समीकरण हमारी दो है, समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर घटा देते हैं, समीकरण को क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेशन। अब 100x में 10x अगर निकाल दें तो कितना बचेगा, 90x, तो ये 90x हो गया। अब 47 में 4 माइनस कर दिए, सेकंड में माइनस करना फर्स्ट को, याद रखिएगा 47 में 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 43 बचेगा और ये सब जीरो हो जाएंगे, तो यही रहने देना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 43/90। अब 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है इसलिए ये डिवाइड तो होगा नहीं, यही p/q का फॉर्म आ गया, ये p/q के फॉर्म में है और q की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो यहाँ वैल्यू क्यू की नहीं है। अब क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया 0.01, तीन नंबर के बाद इसमें बार लगा हुआ है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन लगा जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है। अगर बच्चों ये करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.001, फिर 001, यही डिजिट रिपीट होता रहेगा, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्यों, क्योंकि तीन नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो समीकरण एक को 1000 से गुणा करने पर, इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो x को 1000 से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1000x। इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट डेसिमल इधर बढ़ जाता है, तो 1.001001 डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, इधर आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेंगे, ये रिपीटिंग डिजिट है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर घटा देंगे, 1000x में एक x निकल गया बच्चों, क्या बचा, 9999x। इधर 1 में 0 इस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा और तो सब डिजिट इक्वल ही है, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/ ये हमारे क्या आ गया, p/q का फॉर्म आ गया, यही हमारा आंसर है। इतना आसान था बच्चों, अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब
जरूर करिए, वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक वीडियो अगर देखोगे तो समझ में जरूर आएगा। थैंक यू, नोट इट डाउन।